मूवी की स्टार्टिंग में हमें ऐना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ऐना एक स्टूडेंट है। ऐना ने बर्लिन में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। उसे आज स्कॉलरशिप मिल जाती है और बर्लिन जाने से पहले वो अपने फ्रेंड्स के साथ में आखिरी बार ट्रिप पर जाने का मन बनाती है। अब कुछ देर बाद में उसके घर पर उसकी फ्रेंड सुजैन आती है। ऐना यहाँ पर सुजैन को स्कॉलरशिप के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद में वो काफी खुश होती है। कुछ देर बाद ऐना के बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। इन दोनों के फ्रांसिस्का और लियोनर हैं। ये दोनों लोग एक कपल है। इसी के साथ में हम ये भी देखते हैं कि इनके साथ में ऐना का एक्स बॉयफ्रेंड अल्फ्रेडो भी आया है। अल्फ्रेडो को देख के ऐना बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वह उसे अभी भी प्यार करती है। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे और कुछ ही देर में ट्रिप के लिए सभी लोग निकल जाते हैं। ट्रिप पर जाने के लिए इनका जो रूट था वो काफी ज्यादा लंबा था, जिससे ट्रिप को थोड़ा एडवेंचरस बनाने के लिए लियोनर कार को एक शॉर्टकट से ले चलता है। ये शॉर्टकट जो था वो सुनसान कच्चे रोड से होते हुए जा रहा था, लेकिन रास्ते को कंटिन्यू करने पर उन्हें अचानक से वहाँ एक मरा हुआ डॉग मिलता है। लियोनर कार को रोक के उसे देखने के लिए जाता है और जब वो लोग दोबारा कार में बैठकर अपनी ट्रिप कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये जो कार थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद में अल्फ्रेडो और लियोनर कार से बाहर निकल के उसे ठीक करने लगते हैं, मगर इनके कोशिश करने पर भी कार ठीक नहीं हो पाती है। अब इतने में हम यहाँ पर एक आदमी और उसके साथ में उसकी बेटी को इन्हीं की ओर आता हुआ देखते हैं। ये देख के लियोनर उससे हेल्प मांगने के लिए जाता है। ये आदमी जो था उसका नाम जुआन है। जुआन कार को देखता है और जल्दी उसे ठीक भी कर देता है। इसी बीच में ऐना ये देखती है कि जुआन की जो बेटी है वो काफी शांत सी है। ऐना को ये काफी अजीब लगता है। जुआन ने कार को ठीक कर दिया, जिसके बाद में अल्फ्रेडो इसके लिए उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन जुआन इसे नहीं लेता। मगर अल्फ्रेडो फिर भी उसे पैसे देने की कोशिश करता है, जिससे ध्यान भटकने से जुआन का हाथ इंजन में जल जाता है। जुआन इससे काफी गुस्सा जाता है, लेकिन ऐना उसके हाथ को पकड़कर उस पर फूंकने लगती है, जिससे ऐना का काइंड बिहेवियर देख के जुआन इन सभी से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इतना कहने के बाद में जुआन यहाँ से चला जाता है और ये लोग कार में बैठकर फिर से अपनी ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सभी लोग कुछ ही दूरी पर जाते हैं, तभी रास्ते में इन्हें एक लड़की दिखाई देती है। वो कार को रोक के उस लड़की को देखने जाते हैं। दिखने में लग रहा था कि इस लड़की को किसी ने बुरी तरह से मारा है। ऐना उसके पास में जाके उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। अब इससे कुछ ही देर बाद में यहाँ पर एक कार आती है। इस कार से दो शख्स बाहर निकलते हैं। ऐना इन दोनों के पास में जाके उनसे हेल्प कहने के लिए जाती है, लेकिन इतने में ही वो दोनों बिना किसी चेतावनी के उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद में जब उनकी आँख खुलती है तो वो सभी लोग अपने आप को एक अननोन जगह पर पाते हैं। ऐना उठ के कमरे से बाहर जाती है। बाहर जाने पर उसे यहाँ एक लेडी मिलती है। ये लेडी ऐना को घर के बाहर ले जाके उसी लड़की के पास में ले जाती है जो इन सभी को रोड पर घायल मिली थी। ऐना उसे देखकर उसके पास में बैठकर उससे कुछ बात करती है और ऐना वहाँ जो उसकी हेल्प नहीं कर पाई थी इसके लिए वो उससे माफी मांगती है। वो घायल लड़की बताती है कि ये घर जो है वो एक नर्क है। इस जगह पर लोगों को मारा जाता है। एक्चुअली इस घर में ये जो तीन मेंबर्स रहते हैं वो सभी साइको है। यहाँ ये दोनों शख्स जिन्होंने इन लोगों को रोड पर मारा था उनका नाम पेड्रो और कार्नल है। ये तीनों लोग यहाँ से जाने वाले लोगों को किडनैप करते हैं और उनके साथ में टॉर्चर करते हैं। पेड्रो यहाँ पर आने के बाद में ऐना को पकड़कर किस करने लगता है, जिसके बाद में उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोकती हैं और फिर पेड्रो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद में वो लेडी ऐना को धमकाते हुए उसकी बात मानने को कहती है और बाद में उसे खाना खाने जाने के लिए कहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अल्फ्रेडो को एक बेसमेंट में बांध के रखा गया है। वो जोर से चिल्ला के हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हेल्प के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता। इस तरफ सुजैन और फ्रांसिस्का को भी एक कमरे में कैद करके रखा गया होता है और लास्ट में लियोनर को एक ऐसी जगह पर बंद किया गया था जहाँ पर कई सारे अधमरे लोग पड़े थे। अब इस तरफ जब ऐना खाना खा रही होती है तो एक बार फिर से पेड्रो उसके पास में आके उसे छूने लगता है। इसी बीच में कार्नल भी आ जाता है जो वो पेड्रो से उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। अब कार्नल पेड्रो को अपने साथ में बाहर ले जाता है। कार्नल यहाँ पर पेड्रो को लाके उसी अधमरी लड़की को जान से मार डालने के लिए कहता है और फिर बाद में पेड्रो उसे मार देता है। अब रात हो जाने पर सुजैन के रूम पर वही लेडी आती है। सुजैन उसे पूछती है कि वो लोग उसके साथ में क्या करने वाले हैं, जिस पर वो लेडी बताती है कि हम तुम्हें किसी अमीर आदमी को सौंपने वाले हैं। दूसरी तरफ कार्नल अल्फ्रेडो के पास में जाता है। वो वहाँ उसका फर्स्ट एड करता है, लेकिन इसी दौरान वो अल्फ्रेडो को गलत रूप से टच करने लगता है, जिससे अल्फ्रेडो को काफी अजीब लगता है। मगर अब यहाँ पर पेड्रो आके उसे ऐसा
ऐसा करने से रोक लेता है। अगली तरफ लियोनर किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर वो यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन अब जब वो जैसे ही बेसमेंट से बाहर आता है तो यहाँ वही ओल्ड लेडी उसे बाहर मिलती है। वो ओल्ड लेडी बड़े से हथौड़े की मदद से उस पर हमला करती है जिससे लियोनर घायल हो जाता है। अब अगले दिन वो फैमिली सभी लड़कियों को खाने के लिए अपने पास बुलाती है। ये तीनों लोग आपस में मिलने के बाद में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब पेड्रो सुजैन को पकड़कर उसके साथ में गलत तरीके से टच करने लगता है, जिसके बाद में ऐना उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ में इंटीमेट होने दूंगी तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। पेड्रो की मॉम को यह सुनने के बाद में काफी गुस्सा आता है और फिर वो पेड्रो को डांटने लगती है। अब इसी दौरान ऐना यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कर्नल उसे जाके पकड़ लेता है। अब बाहर यहाँ पर इसी दौरान जुआन आता है। जुआन एक्चुअली इस फैमिली का सप्लायर है। जुआन ऐना को यहाँ पर देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर ऐना उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। कर्नल जब जुआन के लिए पैसे लेने के लिए अंदर जाता है तो फिर ऐना जुआन को सब सच बताती है। जुआन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुम लोग फिर भी यहाँ से नहीं गए। जुआन अब ऐना की हेल्प करते हुए उसे गाड़ी में जाकर बैठने को कहता है, लेकिन तब तक यहाँ पर कर्नल आ जाता है और वह ऐना को धमकाते हुए उसे अंदर भेज देता है। कर्नल अब जुआन को पैसे लेने के लिए अंदर चलने के लिए कहता है। अंदर आने पर वो लेडी जुआन से कहती है कि तुम कई सालों से हमारे लिए काम कर रहे हो, तो आज तुमने हमारे शिकार की मदद करने की कोशिश क्यों की, जिसके बाद में जुआन कहता है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, इसीलिए तुम उसको और उसके दोस्तों को छोड़ दो। ये जानने के बाद में अब ये लोग जुआन पर हमला कर देते हैं और उसे और उसकी बेटी को अब कैद कर लेते हैं। इसके बाद में वो ऐना और फ्रांसिस्को को लेके वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर यहाँ पर उन्होंने एक आदमी को बांध के रखा हुआ था। अब वो ओल्ड लेडी ऐना को गन देते हुए उस शख्स को शूट करने के लिए कहती है। ऐना ऐसा करने के लिए मना करती है, जिसके बाद में वो लेडी फ्रांसिस्का पर गन पॉइंट करते हुए उसे मार डालने की धमकी देती है। अब इसके बाद में ना चाहते हुए भी ऐना को उस शख्स को शूट करना पड़ता है और वो शख्स वहीं मर जाता है। अब इसके बाद में उस शख्स के ऊपर से जब मास्क को हटाया जाता है तो हमें ये पता चलता है कि ये तो लियोनर है। इसे देख के ऐना और फ्रांसिस्का को काफी दुख होता है। इस तरफ जुआन और उसके बेटी को यहाँ पर बांध के रखा गया है। जुआन अब किसी तरह अपने बेटी की रस्सी को मुंह से खोल देता है, मगर जुआन की चैन लोहे की थी जो वो खुल नहीं सकती थी, जिससे वो अपनी बेटी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद में जुआन खुद से इसे खोलने का ट्राई करता है, लेकिन ये जंजीर नहीं खुलती है। इस तरफ बाकी के ये लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। इसी बीच में जब पेड्रो इनके कमरे में आता है तो फिर अल्फ्रेडो और ऐना इन पर हमला करके यहाँ से भाग जाते हैं। बाहर भाग के जाने के बाद में इन्हें रास्ते में एक ट्रक मिलता है। वो दोनों लोग उससे हेल्प मांगते हैं और वो शख्स उनकी हेल्प के लिए मान जाता है। ऐना और अल्फ्रेडो दोनों लोग ट्रक में छिपते हैं, लेकिन इतने में पेड्रो यहाँ पर आ जाता है। पेड्रो इन दोनों पर गन पॉइंट करता है, लेकिन अल्फ्रेडो को ट्रक के पीछे एक गन मिल गई थी, जिसके बाद में वो उस पर गन पॉइंट करके यहाँ से भाग जाते हैं। दोनों लोग यहाँ से भाग के जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक शख्स मिलता है। ये दोनों उस शख्स को सब कुछ बताते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन हेल्प करने के बजाय वो शख्स उल्टा उन पर हमला कर देता है। इस तरफ फ्रांसिस्का बेड के नीचे छिपी थी और जब वो बेड से बाहर निकलने लगती है तो फिर वो लेडी यहाँ पर आके फ्रांसिस्का का हाथ काट देती है। दूसरी ओर पेड्रो अब सुजैन को पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद में उसकी मॉम फिर से यहाँ आ जाती है और उसे यहाँ से भगा देती है। अब रात हो जाने पर यहाँ पर गुस्तावन नाम का एक ओल्ड आदमी आता है। एक्चुअली ये शख्स इन सभी का बॉस है। यहाँ पर पेड्रो का जो कजिन था वो भी गुस्तावो से उसे यहीं पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन गुस्तावो उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि गुस्तावो को बाहरी लोग पसंद नहीं थे। अब इसके बाद में गुस्तावो यहाँ पर कैद लोगों को देखने के लिए जाता है। इन सभी में गुस्तावो को ऐना पसंद आ जाती है और इसके बाद में वो एक हैचेट की मदद से फ्रांसिस्का का हाथ काट देता है। फ्रांसिस्का का काफी खून बहता है और फिर वो कहता है कि एक एक करके वो सभी को मार देगा। अब रात हो जाने पर जुआन की बेटी इन सभी के पास में आती है। वो इन सभी को अब आजाद करने लगती है, जिसके बाद में अब सभी लोग आजाद होकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ से जाते समय अल्फ्रेडो यहीं रुकता है, क्योंकि वो इन सभी से बदला लेना चाहता है। अब जब ये बात गुस्तावो को पता चलती है कि सभी लोग यहाँ से भाग गए हैं, तो फिर वो उन्हें पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। इस तरफ इन तीनों के भागते हुए सुबह हो गई होती है। फ्रांसिस्का का काफी ब्लड भी लॉस हो गया था, जिससे वो रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। लेकिन अब इतने में यहाँ पर गुस्तावो का एक आदमी आ जाता है और फिर वो फ्रांसिस्का को शूट करके मार देता है। अब पेड्रो ऐना और सुजैन को यहाँ से वापस ले जाने लगता है, लेकिन पीछे से जुआन की बेटी आके पेड्रो पर हमला कर देती है और अब मौका देख के सभी भागना शुरू कर देते हैं। अब भागते हुए सुजैन के पैर में मोच आ गई थी, जिससे वो अब यहाँ से भाग नहीं पाएगी। ऐना उसकी हेल्प करने की कोशिश करती
सकती है लेकिन वो भाग नहीं पा रही थी, जिसके बाद में ऐना उसे छोड़ के हेल्प बुलाने के लिए चली जाती है। अब इसके बाद में पेड्रो यहाँ पर आता है और वो अब सुजैन के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। अब तभी पीछे से यहाँ पर ऐना आती है और एक पत्थर से पेड्रो पर हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद में ऐना सुजैन को लेकर यहाँ से भागती है। उसे सामने एक कार देखती है, जिसके बाद में ऐना कार में जाकर बैठ के उसे स्टार्ट करती है। अब जैसे ही स्टार्ट होकर कार आगे बढ़ती है तो ऐना पीछे देखती है कि पीछे चैन बंधी हुई थी। ऐना उतर के देखती है, जिसके बाद में उसे पता चलता है कि जंजीर से अल्फ्रेडो को बांधा गया था, जिससे उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए हैं। ऐना को इस कार में एक गन मिलती है, जिसे लेके वो वापस जुआन की बेटी के पास में जाती है। वो देखती है कि उसे काफी बुरी तरह से मारा गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर गुस्तावो और बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो ऐना को अपने साथ में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐना अपने ऊपर गन पॉइंट करके जाने से मना कर रही थी, मगर गुस्तावो सुजैन को आगे करके कहता है कि अगर तुम अपने आप को मारोगी तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। अब ऐना जैसे ही गन को हटाती है तो वो लेडी सुजैन को मार देती है, और इसके बाद में अब ऐना भी उस लेडी को शूट करके मार देती है। गुस्तावो इसे बस देखता रहता है और फिर बाद में वो यहाँ से चला जाता है। अब ऐना गन से कार्नाल को शूट करके मारने वाली होती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती क्योंकि उसे अपनी मॉम के मरने का दुख था। अब ऐना यहाँ से भागते हुए रोड पर जाती है। रोड पर उसे एक कार मिलती है। वो उस कार में बैठकर ड्राइवर से यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन वो ड्राइवर कार नहीं चला रही थी। इसके बाद में ऐना उसे शूट करके मार देती है, और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, ये थी 2015 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है सेंडेरो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।